हेलो दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इंतजार की घड़ियां समाप्त, क्योंकि दोस्तों इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। जी हां दोस्तों, तो हो जाइए तैयार। दोस्तों यहां पर काफी दिनों से लेके ये चर्चा हो रही थी कि भाई सरकार किसके बारे में, दोस्तों जूनियर हाई स्कूल के बारे में क्या कर रही है। तो दोस्तों सरकार का अनाउंसमेंट हो चुका, अब आपके लिए भी दोस्तों अलर्ट मूड जारी कर दिया गया। जी हां, जूनियर हाई स्कूल जहां पर दोस्तों प्रधान अध्यापक सहायक अध्यापक की भर्ती को लेकर के काफी दिनों से मामला चल रहा था और यह मामला अब निपटने जा रहा है। इंतजार की घड़ियां समाप्त, मिशन 17 अक्टूबर। क्या दोस्तों? मिशन 17 अक्टूबर। जी हां दोस्तों, 17 अक्टूबर को फाइनल हो चुका है आपके एग्जाम का डेट, जो कि दोस्तों 5 अक्टूबर से आपके हाथ में आपका अपना प्रवेश पत्र भी होगा। तो इंतजार समाप्त, एकदम लग जाना है दोस्तों सभी दिव्यास्त्रों को साधने के लिए। जिस परीक्षा में आप जाने वाले हैं दोस्तों, जरा आपको याद दिला दें कि इसका प्रारूप क्या होगा। तो इस एग्जाम में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा कि दोस्तों कुल 150 प्रश्नों का यह एग्जाम होगा, यानी ये जो परीक्षा होगी 150 प्रश्न दोस्तों इसमें पूछे जाएंगे, जिसमें 50 प्रश्न जो होंगे दोस्तों वो सामान्य ज्ञान के होंगे, जो सभी के लिए कंपलसरी है। क्या होगा? सभी के लिए कंपलसरी है। इसके बाद दोस्तों इसमें संबंधित विषय होगा, आपने अपना जो भी विषय चुना होगा, जैसे सपोज करिए दोस्तों यहां पर अगर देखेंगे तो हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, संस्कृत भाषा है, सामाजिक अध्ययन है, विज्ञान एवं गणित है दोस्तों। तो यहां से 100 क्वेश्चन होंगे। इस तरह से दोस्तों ये पूरा का पूरा 150 प्रश्नों का मामला होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर ये जो 150 प्रश्नों का एग्जाम होगा, इसमें प्रधान अध्यापक पद और सहायक अध्यापक दोनों दोस्तों इस एग्जाम को देंगे समान प्रदेश में, प्रथम शिफ्ट में ये आपका एग्जाम होगा, यानी पहली पाली में। तो दोस्तों जो सहायक अध्यापक वाले होंगे वो यहां से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों जिन लोगों ने प्रधान अध्यापक के लिए आवेदन किया है उनको दोस्तों सेकेंड मीटिंग में, तो विशेष रूप से ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो प्रधान अध्यापक होंगे उनके लिए सेकेंड मीटिंग में एक पेपर और आयोजित होगा, जिसको शैक्षणिक प्रशासन कहते हैं, जहां पर दोस्तों आपसे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सहायक अध्यापक के लिए दोस्तों सिर्फ 150 प्रश्न होगा, यानी सहायक अध्यापक के लिए सिर्फ 150 प्रश्न, और दोस्तों जो प्रधान अध्यापक होगा इसके लिए 200 प्रश्नों का ये एग्जाम हो जाएगा। पहली शिफ्ट दोनों की सेम रहेगी, बस इनको 50 प्रश्न अलग से सेकंड मीटिंग में जाकर के करना है। तो इंतजार को छोड़िए दोस्तों और लग जाइए, आपके पास जो भी दिव्यास्त्र है, जो भी तर्कस है दोस्तों, सभी को माजने में, सवारने में, क्योंकि वक्त कम बचा है, रेत की तरह दोस्तों आपके हाथ से फिसल रहा है। तो यहां पर दोस्तों उत्कर्ष परिवार आपके साथ कदम से कदम मिला करके हमेशा खड़ा रहा। जैसा कि शुरू से ही आपके पास दोस्तों सुपर टेट जूनियर का कोर्स आपके पास अवेलेबल है, जिसमें दोस्तों आपको बताते हुए चलें कि यहां पर अगर देखेंगे तो यूपी सुपर टेट दोस्तों साइंस मैथ का जो सेक्शन है ये आपको दोस्तों 2000 रुपए में, इसके अलावा दोस्तों टेट सुपर टेट सामाजिक अध्ययन की अगर बात करेंगे तो ये दोस्तों 2000 नाम मात्र शुल्क, और यहां पर दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज 1800, इसी तरह से दोस्तों लैंग्वेज में हिंदी महज 1800 रुपए, और संस्कृत भाषा भी दोस्तों महज 1800 रुपए में आपके पास अवेलेबल है। तो हो जाइए तैयार दोस्तों यूपी उत्कर्ष के इस प्रोग्राम के साथ, और दोस्तों ये सभी कोर्स आपको उत्कर्ष ऐप के माध्यम से अवेलेबल किए जाएंगे। तो मिशन 17 अक्टूबर अलर्ट के साथ आगे की ओर बढ़िए दोस्तों, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों हौसलों की उड़ान के इस पथ पर हो जाइए अग्रसर, मंजिल दोस्तों कर रही है आपका इंतजार। रखिए अपना विशेष ख्याल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।